अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? एडर साहब बात कर रहे हैं। हाँ जी, अली असगर बोल रहा हूँ। कौन आप? ये ग्रुप में आपके आपका कौन सा चेला कूद रहा है? जी आप ये मेरे ग्रुप में कौन सा चेला कूद रहा है? ये मेरा चेला का मतलब ब्रीफ तुम्हारा हैं? क्या बोल रहे हो भाई, अदब से बात करो। मुरीद, क्या बोल रहे हो? मुरीद आपका मुरीद अदब की बात कर रहे हो। मेरा मुरीद? मैं तो पीर नहीं हूँ। हाँ वो पीर हो, तुम्हारा पता है क्या क्या मानता हो। अरे मैं तो पीर नहीं हूँ, मुरीद कैसे हो गया? वो बोला कि मैं मुरीद हूँ उसका। तो उससे बात करो ना, जो करता है। मेरे को फोन लगा? वो बात करे तभी तो बात करो। वो तो ये कह रहा है कि मेरे बाप से बात करो। तुम्हारा बाप? तुम्हारा बाप से क्या बात करोगे तुम? अब वो बता रहे हैं कि आपसे बात करो, मैं तू तो बात क्या करता बात हूँ। करोगे बात बताओ ना भाई। अबे तुम नाम क्या, आपका नाम बताओ ना। क्या नाम आपका? मेरा नाम आसिम रजा। आसिम रजा, क्या बात करना है बताओ ना भाई। वही बात करो ना, बात करना है मुझे। अरे एक बात बताएं आप मुझे। जी ग्रुप के अंदर हाँ बात कर रहे हो ठीक जी। आला हजरत की गुम्बद की गलत तस्वीरें सही करना, ये करना, वो करना, ये किसने बताया थे मुझे? वो अगर उसने ऐसा बोला है कि हमारा ये अली असगर, अच्छा आप सवाल कर रहे हैं कि झगड़ा करना है? सवाल कर रहे हैं, सवाल अगर करना है जवाब लो, और झगड़ा करो तो घर पे आ जाओ। मेरे पास झगड़ा करना है, आ जाओ। अरे मेरी बात सुनो, उसको बोल देना ये जो तुम्हारा चेला कह रहा है तू बाप लट को कर रहे कौन। हाँ मेरी बात सुने, घर की तस्वीर तो आप ही बोल दो ना भाई उसको। आप तो मैसेज करके बोल दो। अरे वो बात ही नहीं कर रही मुझसे, तो बात नहीं कर रहे मैसेज। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना उस। अरे मेरी बात सुनो ना भाई, आप तो यार शराब तो बोल देना, मैं बोल रहा हूं आपसे। अरे शराब पी के आए क्या तुम है? इस तरह कोई बात करते है क्या? शराब पी के आए हो क्या? अदब से बात करो, अदब से बात करो। इस तरह चिल्ला झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो यार। अगर शराब पीकर आया तो झगड़ा करो, चिल्लाते रहो। आपने ये क्यों बोला कि इस तरह से बात करें, शराब पी के की जाए? हाँ तुम्हारे शराब पीते हैं, तुम्हारे यहाँ शराब पीना जैसे तमाम फर्ज से हम फर्ज है ना। हवाला दूँ कहाँ कहाँ लिखा है? हवाला दो। हाँ हवाला भेजो। हवाले पे बात करी किसी पाले लिखे? हवाला हवाला भेजो। हवाला भेजो, हवाले बात करता तेरे मौलवी ने साले रेंडी को बात तू सोता था हैं बोलेगा रेंडी को बात ही जाता। हवाला हवाला भेज, हवाला भेज मुझे पहले। कहाँ लिखा है? तूने अपनी किताबें पढ़ी तो मैं हवाला भेजूँ तुम्हारे सबे से? तुम्हारे किताब में लिखा है रसाले रसबिया कहते तुम्हारा मुजद्दिद ने कि माँ से जिना करो, कोई देख ले तो बोल देना मैं शराब में डूबा हुआ था, पता ना चला कि माँ थी कि बीबी थी। तुम्हारा मुजद्दिद ने लिखा है? अरे जो बोलना है बोल। जो शराब पीकर आया ना, शराब पीकर आया है, शराब पीकर आया है तो इस बात की दलील है तो शराब पीकर आया है। एक सवाल कर रहा है जवाब नहीं ले रहा है और झगड़ा कर रहा है। तो तेरी किताब में लिखा हुआ है, तेरा मुजद्दिद ने लिखा है कि जब कोई किसी से जिना करे तो जिना में किसका हक है? और जब जिना करे तो अगर देख ले तो बाप का हक है, भाई का हक है। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। जिना में हक ये होता है कि भाई रोके उसको। मुसलमान का मोमिन का हक यह है कि उसको जिना से रोके, न कि बाप और भाई शामिल हो जावे। तुम्हारा मुजद्दिद का मलफूज में लिखा हुआ है कि जिना में किसका हक है? कि भाई का हक है, बाप का। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। ये तुम्हारे यहाँ धर्म है, हैं तुम्हारे यहाँ धर्म है। हाँ बोल। किताब का नाम बताएं। अल मलफूज है, अल मलफूज, अल मलफूज। अच्छा पूरी भेजा उसका मुसन्निफ का नाम भी अच्छे तरीके से बोला। अल मलफूज का नाम है मुसन। हाँ सुनो सुनो सुनो, मैं बोल रहा हूँ। अरे हड़बड़ा क्यों रहा है? सुनना मैं वो सेंड कर रहा हूँ, रुकना। हाँ सेंड कर रहा हूँ। रुक गया तुम्हारा मुजद्दिद का? सुन यार बोल रहा ना, पढ़ रहा हूँ, पढ़ूंगा मैं, तुम घबराओ मत ना। तुम्हारा मुजद्दिद लिखता है, मुजद्दिद का मलफूज में लिखा हुआ है जिना में पूछा उससे सवाल ये किया जिना में किसका हक है, ठीक है? तो उसने कहा जिना में बाप का हक है, भाई का हक है, ये बात लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, किसके साथ? मिसाल के तौर पर अगर तुम्हारी बहन से कोई जिना कर रहा है तो उसमें भाई बाप भी शामिल हो जाए और भाई भी शामिल हो जाए। अच्छा, ये हवाला हवाला दूँ? हवाला दूँ और सफा नंबर भी होना चाहिए उस पे। हाँ ठीक है, और दे रहा हूँ। रुको, ये देखो हवाला देखो, हवाला देखो। ए हवाला लो। हवाला तो और मुसन्निफ का नाम अच्छी तरीके से, किताब का नाम भी लिख करके भेजना। हाँ ठीक है, तुझे मैं इतना जानता नहीं, मैं पढ़वाऊंगा किसी से। नहीं, खामोश रहा, मैं हवाला दे रहा हूँ, फोन मत करना। मैं पढ़ रहा हूँ और तू देख। ए ले अल मलफूज, ये तुम्हारे जो है मुजद्दिद का बेटा है,
मुस्तफ़ा रज़ा क़ादरी उसकी किताब है, उसने लिखी है हिस्सा सोम सफ़र नंबर 41। देखो अर्ज़ किसने लिखी, मुस्तफ़ा रज़ा क़ादरी तुम्हारे मुजद्दिद का बेटा है, वो तुम्हारा मुजद्दिद उसका मलफूज है, उसका मलफूज लिखा है उसने। अच्छा हाँ उसका मलफूज लिखा है वो। अच्छा हाँ तुम पता नहीं कुछ आगे खाली चिल्लाते रहते हो, सुनो ना सर दो तो क्या लिखा है देखो ना। अब इधर इधर उधर मत जाओ, खाली देखो क्या लिखा है। हाँ भेज दिया हूँ, भेज दिया हूँ, पढ़ रहा हूँ सुन, पढ़ रहा हूँ सुन, पढ़ रहा हूँ सुन, पढ़ रहा हूँ। देख ये ले फ्रंट पेज, फ्रंट पेज, फ्रंट पेज, फ्रंट पेज देख, ये देख फ्रंट पेज देख, ये फ्रंट पेज अल मलफूज मुकम्मल। खामोश रहा, खामोश रहा, मैं पढ़ रहा हूँ सुन। लिखा हुआ है सफर नंबर 41 पर, जिना में वो कौन कौन है जिनका हक शामिल होता है। जवाब, बाज़ वक्त औरत का भी हक होता है जबकि उससे जबरन जिना किया जाए, उसका बाप भाई शौहर जिस जिसको उसकी खबर आर लाहिक होगी वो सबका हक है। इस्तकुल नमाज अल्लाह, बताओ ना बाप भाई शौहर सबका हक है जिना में। भाई शौहर जब सोबत करेगा बीवी से तो जिना नहीं होगा बल्कि सदका का सवाब होगा। तूने भेज दिया ना, तूने भेज दिया ना, जवाब कौन देगा? अगर ये किताब मैंने सुन, तूने किताब का नाम दिया ना चाहिए, जवाब कौन देगा? केले के बाद में बोझ हारूंगा भाई साहब, टेंशन मत लेना, तू मेरी बात सुन, तू मुझे जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा? किताब का नाम और हवाला, मैं बोल भी दिया हूँ, हवाला भेज भी दिया हूँ, बोल भी दिया, हवाला भेज भी दिया हूँ। दूसरा हवाला, दूसरा हवाला रसाइल रजविया, रसाइल रजवी में लिखा है तेरा मुजद्दिद लिखता है, तेरा मुजद्दिद लिखता है, देख पढ़ रहा हूँ सुन, सफ़ा नंबर 488 में लिखता है कि माँ से जिना करे, माँ के साथ जिना करे नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और कह दे मैं तो ऐसा डूबा हुआ था कि मालूम ही न कर सका कि ये माँ है या बीवी है। देखो तेरा मुजद्दिद कह रहा है, तेरा मुजद्दिद कह रहा है, तो पहले किताब देख, पहले किताब देख, रसाइल रजविया तेरे मुजद्दिद किताब है, तो हमारे अकाबर पर इल्ज़ाम लगा रहा है, तुम्हारे यहाँ लिखा है। हाँ देख, हाँ देख देख, नहीं ये फ्रंट पेज दे रहा हूँ, रुक मैं दोबारा फोन करता हूँ। तू जानता है मुझे जान बुझ कर कि इस तरह तू रुसवा होने के लिए, जलील होने के लिए फोन किया है। कुरान पढ़ूँ? कुरान मस्जिद पढ़ने लगा, कुरान में हालांकि पढ़ना अच्छी बात है, बेहतर है, सुन्नत भी अच्छी बात है, ठीक है। और सुन, हाँ जब बात की जरूरत है किसी टॉपिक पे बात करी है तो बात करना। तो इस जिना के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तुम्हारे यहाँ जिना के बारे में नहीं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जिस टाइम में तुझसे पहले बात कर रहा था। मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है, उसी अल मलफूज का दूसरा हवाला है ये देख, तेरा मुजद्दिद क्या करता था, क्या करतूत उसके, देख काले करतूत उसके, ये लिख रहा है उसमें, लिखा है तेरा उसका बेटा लिखता है। खामोश रहा, खामोश रहा, अपने मुजद्दिद का नाम सुन के चिख रहा है, अदब से सुनना चाहिए, लिख रहा है इसमें, लिखा है कि और अगर वो छोड़ देगा, मैंने खुद देखा गांव में एक लड़की 18 या 20 साल बरस की थी, माँ उसकी माँ ये ज़ईफ़ा थी, उसका दूध उस वक़्त तक ना छोड़ा था, माँ हरतन मना करती, वो ज़ोर आवर थी, पछाड़ती और सीने पछाड़ कर दूध पीने लगती। कौन ये तेरा मुजद्दिद? मैं खुद अपनी आंखों से देखा, तेरा मुजद्दिद खुद देखा। अच्छा बता बता तू मुझे, फ़ोन खुद करता है मरदूद, बोला फ़ोन काट, फ़ोन करता है बोला फ़ोन काट। तेरा मुजद्दिद कहता है कि मैंने खुद देखा, क्या गांव में एक लड़की 18 या 20 बरस की थी, माँ उसकी ज़ईफ़ा थी, उसका दूध उस वक़्त तक ना छोड़ा या छोड़ा छोड़ाया था, माँ हर चंद मना करती, वो जोर आवरती, पछाड़ती और सीने पर कर दूध पिए। तेरा मुजद्दिद देखने की क्या ज़रूरत, तेरे मुजद्दिद को देखने की क्या ज़रूरत थी? 18-20 साल की लड़की को देख रहा है, उसकी माँ को पटक रही है, कपड़े उतार रही है और दूध पी रही है, तेरा मुजद्दिद देख रहा है लेकिन नज़र नीचे नहीं कर रहा है, नज़र फिरा नहीं रहा है, नज़र वहाँ बेल शरीर में तवायफ को देखा और कुर्ती उठा करके आला तनासुल बता करके आंखें छुपा लिया और यहाँ देख रहा है बराबर बराबर। ये कौन सा तरीका है? ये मुजद्दिद है, ये आशिक रसूल है, ये इमाम अहले सुन्नत है, हैं ये आला हजरत है तुम्हारा, ये कर तो हमारे अकाबर में तुमने तबर्राबाजी की तो हमने मैंने पोल पट्टी खोला है, हैं जब तेरे कुछ आता नहीं है क्यों फोन करता है रुसवा होने के लिए? जब तेरे कुछ आता नहीं है क्यों हमारे कब्र तबर्राबाजी करता है? जब तुझे कुछ आता नहीं है क्यों तू आया कि रुसवा जलील होने जूते खाने के लिए? जब तुझे कुछ आता नहीं है तो गाल और पिछवाड़ा लाल करने क्यों आया जूते खा करके? तुझे पता नहीं है, हवाला दे रहा हूँ और एक हवाला दे रहा हूँ, रुक ये हवाला दे रहा हूँ। अब तेरा मुजद्दिद क्या क्या करता था, तेरे मुजद्दिद के मुतालिक तेरे घर से लिखा हुआ है, देख एक मैं हवाला भेज रहा हूँ, ये अरे ये
क्या हदाई के बख्शिश है, उसमें लिखा हुआ हदाई के बख्शिश के अंदर ये देख लिखा हुआ है, खुदाई कहार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफी मैसर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। बताओ ऐसा काम करे तो अजाब में रहेगा ना, ऐसा जब काले करतूत उसके होंगे तो अजाब में रहेगा, नहीं तो क्या जन्नत में रहेगा वो हैं। और इसको बोल रहा था इमाम अहले सुन्नत, ए आशिक है रसूल, मुजद्दिद, ओह क्या क्या लकब दिया इसको। और करतूत देखो कैसी करतूत देखो इसके। और आया है देखो, फ़ोन कर रहा है, गालियां दे रहा है, सलाम का जवाब नहीं और गालियां दे रहा है, कुछ पता नहीं इसको। बोल रहा है मुझे पढ़ने नहीं आता। जब तुझे पढ़ने नहीं आता, हमारे अकाबिर पर तबर्राबाजी क्यों किया तूने? तेरे बड़े बड़े घुस गए बिल के अंदर, उसकी औकात नहीं हो रही है, और तू शराब पी के आ गया बबड़ करने के लिए। सब शराबर में लिखा हुआ है कि तुम्हारा मुजद्दिद के बारे में कि शराब और चर्स पीता था, और इस फिर वो इस तरह गर्क हो जाता है, इसके इलाही मस्तफुल माजा, शराब की हालत में कोई किसी के दिल के अंदर इसके इलाही होता है क्या? हाँ, उस वक्त तो उसका ईमान बाहर निकल आता है शराब पीने के वक्त, और तुम्हारे यहाँ शराब और चर्स पी करके अल्लाह की मोहब्बत में बहुत आगे निकल, अस्तफुल माजल, ये तुम्हारा धर्म। भागा फ़ोन काट के, फ़ोन करता है मरदूद, फ़ोन करता है, फ़ोन क्यों काटा तू? फ़ोन करता फिर क्यों फ़ोन करता है तू? जब फ़ोन करता है अपने मुजद्दिद की काले करतूत को सुनने की ताब रख, ताकत रख, बर्दाश्त कर, सब्र पैदा कर। और वो किसी ने तुझे बोला था मेरा नंबर, तो मेरा नाम किसी ने बताया तेरे को? नंबर दे उसका, नंबर दे किसने तुझे नंबर दिया था? मेरा नंबर तुझे किसने दिया? नाम क्या बता? नंबर बता उसका। फिर भागा झूठ बोल रहा है सामीन। देखें ये इसको रुसवा होना है कि शराब पी नहीं, शराब के हालत में है। फिर भागा फोन काट के। हेलो, नंबर दे उसका, फोन मत काट। अबे फोन नहीं काट रहा हूं। मेरा नंबर किसने दिया? नंबर दे उसका मुझे। मेरा नंबर किसने दिया? नंबर दे उसका, तेरी औलाद ने दिया। नंबर दे फोन का। अपने मुजद्दिद की तरह भाग मत। दो तीन मरतबा भागा और बोल रहा है भागता नहीं। देखो चल, नंबर दे, नंबर उसका दे, झूठ मत बोल, नंबर दे। तू झूठ बोल करके रुसवा होने आता है, गाली पकने आता है तेरे को। किसी ने मेरा नंबर नहीं दिया है, बस किसी ने नहीं दिया। नंबर बता किसका है? नंबर किसी ने नंबर नहीं, झूठ बोल रहा है तू मरदूत कहीं का, झूठा कसा। तुम्हें डर देता क्यों? नंबर फिर नंबर दे उसका। चल नंबर देता हूँ, बोल नंबर बोल। भाग मत। अबे नंबर बोल तो, मेरी स्क्रीन नहीं चलती। हाँ बोल बोल बोल, फोन मत काटना, फोन मत काटना, नंबर दे। मैं यहाँ रिकॉर्डिंग में मौजूद रहेगा कि हाँ झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। अबे मैं तुझे साइन कर रही हूँ। अभी बोल, फोन चालू रख, नंबर बोल मुझे, व्हाट्सएप खोल। अच्छा 5 मिनट नहीं, अभी दे। भागा तू, भागता है इसे बहानाबाजी करके। तुम्हारी जरूरियत को मैंने ये, मैं नंबर देता हूँ, चल जल्दी बोल नंबर। फोन मत काटना, फोन मत काटना। हाँ नंबर दे, फोन मत काटना, फोन मत काटूंगा। हाँ दे, फोन मत काट। अरे तू तो मेरे पैर के जूते के बराबर भी है, जूते के धूल के बराबर भी नहीं है। भागता है फोन काट के मत। तेरी औकात क्या है? तेरे बड़े बड़े घुटने टेक दिए, तेरी औकात क्या है? हैं, अभी का चूजा है, निकला हरी है, कुछ नहीं है, अंडे अभी निकला है अंडे से, तेरे अंदर है कुछ नहीं आता। तुझे उर्दू नहीं पढ़ना आता, तुझे कुरान नहीं पढ़ने आता, तुझे कुछ नहीं आता, क्यों आता है तबर्राबाजी करने के? भाई नमाज पढ़, रोजे रख, तिलावत कर, कुरान सीख, नमाज के फ़राइज़ सीख, वज़ू के फ़राइज़ सीख, गुसल के फ़राइज़ सीख, कुछ कुछ नहीं आता है। तू मुसलमान है ना, तू सीख ना। अगर तू मुसलमान है तू सीख ना, तू मना कौन कर रहा है तुझे कि इधर इधर क्यों आता है रुसवा हमारे जूते खाने के लिए? अरे देवबंदी के हाथ ला जूते खाने क्यों आता है? देवबंदी के हाथ ला ले, नंबर दे। देखो नंबर नहीं दे रहा है, देखो गालियाँ दे रहा है, शराब पी का है ना, गाली दे रहा है, नंबर दे। शराब पी का है, चर्स पी का है मर्दू, तुम्हारी नस्ल शराब पीती है, तुम्हारे धर्म में शराब का चर्चा ज्यादा है। अरे सब पता है तुझे, सब पता है। चल तेरे डालूंगा, फिर जो मैं दे दूंगा, डालने के लिए दे दूंगा, डाल देंगे, फिक्र नहीं। तू तेरा काम कर और जो करने वाला इसका काम करेगा तू। नंबर दे पहले, नंबर दे। रुक जा, मर रहा है, मौत आ रही हो गई तेरे जरूरत पर। नंबर दे, कभी इस कहीं का शराब पी के आता है, नमाज पढ़ता हुई नहीं ना, वजू के फ़राइज़ मार। वजू पता नहीं, वजू में फ़र्क कितने है? हमारे अकाबिर की किताब का नाम याद है,
लेकिन वजू का फ़र्ज याद नहीं है, नमाज के फ़र्ज याद नहीं है, गौसल के फ़र्ज याद नहीं है, मरदूद कहीं का हमारे अकाबिर का नाम याद कर तेरा इस्लाम है, हमारे अकाबिर किताब का नाम याद कर तेरा इस्लाम है। चार चार हैं, चार बोल बोल नंबर बोल, चार नहीं है नंबर बोल, चार नहीं है बता नंबर बोल, भाग मत नंबर बोल, नंबर बोल। बुखार आ गया ना तेरे को, बुखार आ गया ना, फोन करेगा नंबर चाहिए, जिसने तुझे बोला मेरा नंबर दिया नंबर दे उसका। हाँ हाँ नंबर दे रहा हूँ बोल, चल नोट नंबर नोट कर बोल, 9 9 7 8 7 8 6 6 4 0 4 0 3। झूठ बोल रहा है तू, अरे लगाना झूठ बोल रहा है अभी। कार कहीं का नंबर तू लगा के दे, ये नंबर लग नहीं रही, गलत नंबर दिए मरदूद, नंबर गलत मरदूद कहीं का, ये नंबर है ही चालू नहीं है, हराम खोर झूठ बोल रहा है। फिर से नंबर बोल, फिर से नंबर बोल, 9 9 डबल नाइन बोला था तू, डबल नाइन बोला था भाई, चल बोल डबल नाइन, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, डबल हाँ डबल नाइन 7 8 हाँ डबल सिक्स हाँ 4 हाँ डबल ज़ीरो हाँ 3 रुक हाँ रख। नंबर किसका है किसका है, नहीं नहीं लग रहा है, मरदूद कहीं का नंबर गलत दिया है जी, नंबर आप डायल कर ही रहिया छू टेन, गलत नंबर दिया है, गलत नंबर दिया खबीज कहीं का, कज़ाब कहीं का गलत नंबर दिया है, नंबर लग ही नहीं रहा, नंबर लग ही नहीं रहा है खबीज कहीं का, तू लगा तू लगा लाइन पे ले, तू लाइन पे चेक कर, तू लाइन तू लाइन पे ले, लाइन पे ले तू, अबे उसका लाइन पे लाइन पे ले, लाइन पे ले, इस तरह से नहीं लगता उसका नंबर, व्हाट्सएप चालू उस नंबर पे, अबे जाहिल के औलाद हंस रिया है सुअर के औलाद, अबे सुन चल, तेरे मुजद्दद को मैंने साबित किया, तेरा मुजद्दद माँ से जीना का करने का हुक्म दिया, और तेरा मुजद्दद ने यह भी कहा कि जब कोई किसी से जिना करे तो उस जिना में जिसे जिना किया जा रहा है उसका बाप का भी हक है, उसका भाई का भी हक है। अस्तग़फ़िरुल्लाह माज़ल्ला, इतना बुरा धर्म, ऐसे को बोल रहा है मुजद्दिद है, और ऐसे को बोल रहा है कि ये इमाम अहले सुन्नत है, और ऐसे को बोल रहा है आला हज़रत है, बोला बट ऐसे ऐसे आदमी को, ऐसा आदमी बता, ऐसा आदमी क्या आला हज़रत हो सकता है, ऐसा आदमी मुजद्दिद हो सकता है, ऐसा आदमी इमाम अहले सुन्नत हो सकता है, अरे मुसलमान कैसा हो, अहले सुन्नत या अहले सुन्नी इसी को कहते हैं जो ये हुक्म दे माँ से जिना कर, सुन्नी उसी को कहते हैं इमाम अहले सुन्नत जो कहे कि भाई कोई किसी से जिना करे तो जिना करने वाली का बाप और भाई भी शरीक हो जावे, हैं अगर मिसाल के तौर पर बिल फर्द अगर तेरी तेरी बहन से कोई अगर जिना करे तो तू भी शामिल हो जाएगा, तेरा बाप भी शामिल हो जाएगा, हैं कितना मरतबा फोन कटवा गया तू, भागता रहा मुझे तेरी तू काम, मैंने जो हवाला दिया जो मैंने हवाला दिया जवाब कौन देगा उसका, मैंने हवाला दिया उसका जवाब कौन देगा बोल, उसे जवाब कौन देगा, तेरी जब तेरी तुझे कहा गया मैंने हवाला दिया तेरे को और उसमें लिखा हुआ है हवाला, बेफे बोल रहा है मुझे बोलना बोल रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई किसी जिना करे तो जिना में उसकी माँ का भी हक है और उसका भाई का भी हक है, ठीक है, तो अगर तेरी बहन से कोई जिना करेगा तेरे मुजद्दद के कौल के मुताबिक तू और तेरा बाप दोनों शामिल हो जाएगा तेरी बहन के साथ साथ जिना करने के लिए, और अगर जिना नहीं करेगा तो असवारम हिंदिया के अंदर हसमत अली रजवी लखनऊ लिखता है कि जो आला हजरत का मकीदा उसे हम काफिर मानते हैं, इम्तियाज़ अहले सुन्नत किताब में लिखता है जो मसला के आला हजरत की मुखालफत करेगा उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा, अब तू फैसला करके मुझे बता दे, ऐलान कर दे अभी, तू उस जिना में तू और तेरा बाप दोनों शरीक होगा तेरी बहन के साथ जिना करेगा, या फिर तेरे आला हजरत की मुखालफत करके तो उसके मसलक के मुताबिक बेईमान मरेगा, अब तू फैसला सुना, जिना करेगा तू तेरी बहन के साथ तेरे आलत बात मान करके, या फिर हाँ जवाब दे इसका, हाँ जवाब दे, हाँ वो जवाब दे, तुझे तो मैंने नंबर सेंड किया था, देखो सामिन मैं क्या सवाल कर रहा हूँ, इसको जवाब क्या दे रहा है, इसका मुजद्दिद कह रहा है कि ये आसिम रजा की बहन से कोई अगर जिना करे तो आसिम रजा भी शामिल हो जाए जिना में, उसका बाप भी शामिल हो जाए, ठीक है, तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि तू जिना करेगा तेरी बहन के साथ या अपने अपने मुजद्दिद की बात मानते हुए, और या फिर तू अपने मुजद्दिद की मुखालफत करके असवारुल हिंदिया की इबारत के मुताबिक काफिर बनेगा या इम्तियाज़ अहले सुन्नत के उसूल के मुताबिक तो बेईमान मरेगा मुखालफत करके, तू फैसला सुना,
लेकिन सामने नहीं नहीं वो जवाब नहीं दे रहा है। जवाब कौन देगा? तुम्हारा धर्म, तुम्हारा मुजद्दिद है, तुम्हारा इमाम, तुम्हारा आला हजरत, लेकिन तुम उसकी बात का जवाब नहीं दे रहे। जवाब कौन देगा? फ़ोन करता है और बकवासात करता है, लेकिन अपने धर्म, हमारे अकाबिर पर एतराज़ करता है, तबर्रबाजी करता है, अपने मुजद्दिद को बचा नहीं पा रहा है। जब तेरे अंदर ये हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, सलाहियत नहीं है, तेरे अंदर इल्म नहीं है, तेरी अकल माउफ हो चुकी है, तो तू जाहिल है, अबू जहल है, तो बता तू क्यों आता है ये मैदान में? ये नहीं आना चाहिए। दूसरा हवाला मैं दे रहा हूँ, रुक, दूसरा हवाला देख। ये मैंने ये दिया है, ये हवाला दिया मैंने, तेरे पर्सनल भी दिया, देख तेरे पर्सनल भी दिया जिना के मुतालिक। अब तेरा आला हजरत के मुतालिक खुद लिखा है कि उसने बात कही है, देख ये मैं बता रहा हूँ, ये हदाय के बख्शिश है, हदाय के बख्शिश में लिखा है, ये हदाय के बख्शिश है, सफ़ा इधर यहाँ भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? बद सही, चोर सही, मुजरिम नाकारा सही। कौन है? तेरा मुजद्दिद है। क्या बदकारी की थी उसने? वही बदकारी, वही जो दूसरे लोग कौम को बदकारी में मुबतला करके गया। ये दे हदाय के बख्शिश मैंने भेजा है, इसमें लिखा हुआ है चोर सही माँ के साथ जिना करना जायज है। कहाँ लिखा है? 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 हवाला दे, हवाला दे। अगर तू सोशल मीडिया पे डालेगा पूरी वीडियो डालेगा। हवाला दे, हवाला दे, हाँ हवाला दे, हवाला दे, हवाला दे, हवाला। जबानी जबानी जुमलाबाजी से काम नहीं चलेगा, दलाइल के मैदान में जो है कामयाबी मिलती है। लफाज का मैं देखो सामी बोल रहा है, जो जुमलाबाजी मैं कर रहा हूँ, मैं हवाला दे रहा हूँ, किताब का नाम पढ़ रहा हूँ, मुसन्निफ का नाम पढ़ रहा हूँ, इबारत पढ़ रहा हूँ, ये किताब का नाम बता नहीं पा रहा है, इबारत नहीं पढ़ रहा है, खाली लफाजी कर रहा है। चल तूने बात मेरी सुनी है? मैं तुझसे बोल रहा था कि मैंने तुझसे कहा था तू मुझे सेंड कर दे, मैं उसको चेक करके दोबारा फोन करता हूं। कब कब फोन करेगा? कब करे, कब करेगा, कब कब करेगा? कब करूंगा? सुबह सुबह फोन करता हूं तुझे मैं। क्या बजे? क्या बजे करूं? हां पता क्या बजे फ्री होगा? 10 बजे कर, 10 बजे, 10 बजे, हां 10 बजे करता हूं। तब तो उससे पहले अपनी मां से जिना कर ले, ठीक है? जिना करके आ गया अपनी मां से, जिना करके आ गया। अब 10 बज गया क्या? अभी 10 बज गया क्या? तेरा मुजद्दिद तुझे बता रहा है, रास्ता बता रहा है, और तू भड़क रहा है मेरे ऊपर, गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहा है। तेरे मुजद्दिद गुस्सा निकालना चाहिए था, गुस्सा मेरे ऊपर हो रहा है। तूने कहा कल 10 बजे फ़ोन करेगा, तो उससे पहले जवाब दे नहीं पाया, तो जिना कर कम से कम। तेरे धर्म के मुताबिक अपने मुजद्दिद की बात मान करके, तेरे धर्म के मुताबिक, तेरा इस्लाम तो यही है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तेरा धर्म यही है, तेरा दीन यही है। हमारा इस्लाम ये नहीं है, हमारा इस्लाम सिखाता है वला तकरबु ज़िना इन्नहु काना फाहिशा वसा सबीला, कि करीब मत जाओ ज़िना, बोलते ज़िने करीब मत जाओ, वला तकरबु ज़िना इन्नहु काना फाहिशा, ये फाहिश चीज़ है, वसा सबीला बुरा रास्ता है ये, लेकिन तुम्हारा रास्ता क्या है? क्या तुझे इल्म गैब है? तेरा मुझे फतवा बताया, अगर तेरा मुझे फतवा बताना इल्म गैब की दलील है, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, यानी किसी का फतवा बता देना तुम्हारे यहाँ इल्म गैब की दलील है, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। इसीलिए शैतान को मानता है ना कि इल्म गैब का मालिक है वो, हैं? अल्लाह भी झूठ बोल सकता है, सुअरों की औलाद है, जानवरों, पागलों, सालों, सुधर जाओ। कहाँ लिखा है? किताब में लिखा है, चेक कर ले फिर अपने काम। कहाँ कहाँ लिखा है? कुछ नहीं पढ़ा दी, दावा तेरा होगा दलील में दूँ। तू ना भाई असर कुरान तुझसे ढंग से नहीं पढ़ा जाएगा, तू बात कर। कहाँ लिखा है? अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोला है, कहाँ लिखा है? अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोला है, किस किताब में लिखा है? मुसन्निफ का नाम बता, किताब का नाम बता। दीदी व्यस्त।